झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने संकेत दिए हैं कि होम आइसोलेशन को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और इन पर कार्यवाही करने में यदि संबंधित अधिकारी कोई लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ वे खुद कार्यवाही करेंगे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर यूडी खान ने सख्त रवैया अपनाने का संकेत दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। जिला कलेक्टर यूडी खान ने सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को आदेश दिया है कि होम आइसोलेशन की पालना न करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगातार इस संदर्भ में शिकायतें मिल रही है, जब तक कार्यवाही नहीं होगी हालात नहीं सुधरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि अधिकारी इसमें कार्यवाही करने में लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ वे खुद कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा उन्होंने सभी आइसोलेट लोगों को इस व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। कुछ जगह जानकारी मिली है कि लोग होम आइसोलेशन में होने के बावजूद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को आगाह किया जाता है कि वो अपने घरों में रहें और घरों के बाहर नहीं निकलें, और घरों में जब रहें तो घर के बाकी सदस्यों के से अलग रहें। ऐसे व्यक्तियों के घरों के सामने हमने स्टिकर चिपका रखा है और उनको कलेक्टर का आदेश की तामील करा रखी है और उन व्यक्तियों के घरों के सामने स्टाफ लगा रखा है, व्यक्ति लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करता हुआ मिलेगा तो समस्त ऐसे अधिकारियों को जो उसके क्षेत्र से संबंधित हैं, संबंधित तहसीलदार हैं, समस्त SDM हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ IPC के सेक्शन 188 के तहत FIR दर्ज कराएँ और साथ में ऐसे व्यक्तियों को तत्काल किसी दूसरे तहसील के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट करवाएं। अगर अधिकारी इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, और इसलिए सभी अधिकारियों को निर्देशित करता हूं कि इन आदेशों की सख्ती से पालना करें। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि पूरे जिले के बॉर्डर को सील कर रखा है, बिना कोई सक्षम स्वीकृति के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही। वहीं उनकी जांच आदि भी की जा रही है। इसके बावजूद गांव से शिकायतें मिल रही है कि बिना जांच के लोग आ रहे हैं, इसे लापरवाही भी बढ़ रही है तो वहीं भय का माहौल भी मन रहा है, जिसे भी सख्ती से जांच करवाने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। वहीं बाहर से आने वाले लोग भी अपने समीप के अस्पतालों में जाँच करवाएं। बेसिकली जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमने बॉर्डर सील कर रखी है पूरी तरह से, बॉर्डर के साथ साथ डॉक्टर और नर्सेज लगा रखी हैं। ऐसे व्यक्ति जो बाहर से किसी बीमारी की वजह से या संबंध सक्षम स्वीकृति लेके आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में यह कर रखा है कि उन लोगों को रोका जाए, रोक के उनकी पड़ताल की जाए। अगर वो बीमार हैं या उनमें कोई लक्षण है तो संबंधित डिस्पेंसरी में ले जाके, संबंधित हॉस्पिटल में ले जाके उनकी पूरी जाँच कराई जाए और उनको क्वारंटाइन में भेजें। क्षेत्रों में अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो उसकी सख्ती से पालना कराने के लिए दोबारा सबको आदेशित करेंगे। झुंझुनू में पशु पक्षी के लिए भी जल्द ही कलेक्टर यूडी खान ने एक अभियान शुरू करने का जा रहे हैं। इसके लिए पशुपालन विभाग से भी चर्चा चल रही है ताकि पूरे अभियान को फाइनल रूप देकर इसे धरातल पर उतारा जा सके। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को ये तो निर्देश दे दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पशुओं और पक्षियों के दाने पानी और चारे की सुनिश्चित व्यवस्था हो। एक मेरा सोच ये है कि होना भी चाहिए कि गर्मी का वक्त आ गया है और गर्मी के वक्त में जो जानवर पशु पक्षी हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाना है। मैंने संबंधित अधिकारियों को जो जॉइंट डायरेक्टर पशुपालन अधिकारी है और उनके जो जिले में फैले हुए समस्त अधिकारी हैं उनको सबको ये आदेशित किया है कि वो गांव की जो खेलियाँ, गांव और शहरों में जो खेलियाँ पानी पीने की जानवरों की, उनको भरवाएँ और साथ में उनके पक्षियों के लिए बाकायदा पानी भर के रखवाने के लिए एक अभियान चलाएं और इस संबंध में जल्दी ही कुछ अग्रिम निर्देश जारी किए जाएंगे और जल्दी एक अभियान का रूप लिया जाएगा। लेकिन मैंने कल भी सारे उपखंड अधिकारियों को, ये निर्देशित किया था कि जानवरों का जो बेजुबान है और जो पक्षी जो बेजुबान हैं इनका पूरा ध्यान रखा जाए, इनके दाने का चुगे की व्यवस्था की जाए और इसमें जो भी पैसे की ज़रूरत होगी उसकी हम पूर्ति करेंगे, पैसे किसी तरह से कोई कमी नहीं आने देंगे। थैंक यू।